मध्य प्रदेश की बेटियां अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव ने हाल ही में दुबई में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया है। वे इस जीत से खासी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात थी। इस मौके पर उन्होंने खबर 100 से भी खास बातचीत की। निष्ठा का कहना है कि वह शुरू से ही मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और इस उपलब्धि से उनका यह सपना पूरा हुआ है। वहीं एक वेब सीरीज में भी वे काम करने वाली है। इस खास बातचीत से निष्ठा ने अपने मॉडलिंग के सफर से लेकर मिस एशिया इंटरनेशनल बनने तक का एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मध्य प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं, और ऐसे एक टैलेंटेड पर्सन हमारे बैठी हुई है जो मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीत के आई है। सबसे आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। निष्ठा श्रीवास्तव नाम है आपका जी। निष्ठा, आपसे पूछना चाहूँगा कि मिस एशिया इंटरनेशनल जैसा आपने बड़ा एक अवार्ड जीता है, एक ये कह सकते हैं इंटरनेशनल पेजेंट जीता है, कितनी खुशी हुई और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? तो अगर आप खुशी पूछ रहे हैं तो खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत स्पेशल फीलिंग है ये, और सबसे स्पेशल फीलिंग जो थी वो थी जब मैंने अपना तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा था और उसके साथ दौड़ लगाई थी, तो वो शायद उस पूरी जर्नी का सबसे स्पेशल मोमेंट था। और अगर आप पूछें कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची, तो जर्नी बहुत सारे एडवेंचरस, बहुत एक्सपीरियंस से भरी हुई थी। बस एक बात थी जो हमेशा साथ थी, मेरे पेरेंट्स का ट्रमेंडस सपोर्ट और मेरी कंसिस्टेंसी। तो मैंने कभी हार जीत के बारे में सोचा ही नहीं, बस मुझे चलते जाना था। कितने देश वहाँ पे थे, कितने देशों को वहाँ रिप्रेजेंट करी थी और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे, तो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, 42 कंट्रीज़ हैं जो मिस एशिया इंटरनेशनल में हर साल कम्पीट करती हैं, और उन 42 कंट्रीज़ में से 25 कंट्रीज़ होती हैं जो फिनाले के दिन जाती हैं और 8 कंट्रीज़ होती हैं जो क्यूएनए में जाती हैं। तो एवरी डे वॉज चैलेंजिंग, मुझे रोज़ लगता था कि पता नहीं अगले दिन क्या होगा। पर एक बात मैंने हर रोज़ समझी कि क्योंकि हम इंडियन हैं, बहुत डाइवर्स कल्चर है, तो डाइवर्सिटी मेरे बहुत काम आई। इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने देश के बारे में पता थी, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस दिन फिनाले में काम आई। इसकी तैयारी कैसे करी आपने? जी, इसकी तैयारी के बारे में कहूँगी कि वोकल फॉर लोकल का मेरा कॉन्सेप्ट था। मैं भोपाल में ही रहकर ही मैंने तैयारी की थी, और मेरी ग्रूमर नीलिमा नायक जी और मेरी डिज़ाइनर इशिता प्रवीण त्रिपाठी, दो लोग थे जो हमेशा मेरी ग्रूमिंग में, मेरी ड्रेसिंग में बहुत साथ थे। और तीसरी मेरी मम्मा, हु इज़ दी बिगेस्ट इंस्पिरेशन, मनीषा श्रीवास्तवा, जो कि ऐसी थी कि जो चीज़ें उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करी वो चीज़ें भी उन्होंने आज के इस दिन के लिए करी, एंड बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब आपकी जीत की वजह कहीं ना कहीं आपकी मम्मी का हाथ भी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का है। बस बात ये कि जब जीत गई हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हैं, तो दोनों ही लोग थे जो हमेशा साथ थे। और तैयारी की अगर एक बात कहें तो मैंने एक बात समझी कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमेशा से ले रहे हों। मैंने खुद भी अपनी ट्रेनिंग बनाई, मैंने खुद समझा कि चीज़ों को स्क्रैच से कहाँ से शुरू करना है, और मैं हर रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ नया सीखती जाऊँ। अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे बाप? जी, तो जो मेरा ब्यूटी फॉर द पर्पस राउंड था, उसमें मेरा प्रोजेक्ट था एडुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने समझा कि जब तक आप खुद ग्राउंड रियलिटी पर नहीं जाते हैं, तब तक आप नहीं समझ पाते कि कितने सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं सच में चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने सपने देखे उनको पूरा कर रही हूँ, वैसे बहुत सारी बेटियाँ बच्चियाँ जो हमारे देश में हैं, जो कुछ छोटे छोटे सपने देखती हैं, उनके सपनों को मैं पूरा करूँ। और इसीलिए जो मैं एमपी का पैजेंट स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं स्लम एरिया के बच्चों को ज़रूर चलाना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने आप में सबसे खूबसूरत फीलिंग होगी। तो हमारे साथ बनी हुई थी भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव, जिन्होंने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत करना चाही और ब्यूटी पेजेंट में मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीतकर अपने सपने को उन्होंने पूरा किया है। निष्ठा श्रीवास्तव की माने तो वे आगामी समय में वेब सीरीज में भी नजर आने वाली है। आपको बता दें कि निष्ठा श्रीवास्तव की यह जीत न सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लिए भी गौरव की बात है।